ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ ਕਦੇ ਅਜ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜੀ ਕਿ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ये अरविंद केजरीवाल आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी है केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता ये काम करने की सजा जेल जाकर काटना स्वीकार किया लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए यह चिंता और चिंतन का विषय है क्या इसलिए हमें आजादी मिली थी एक दिन चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाएगा बिल्कुल नहीं आज मेरे लिए बहुत भावनात्मक दिन है मेरी भावनाएं दो तरह से आज के दिन से जुड़ी हैं आज हम ये दिन इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश के न जाने कितने वीर सपूतों ने जान की बाजी लगाकर हमें यह आजादी दिलाई लेकिन मेरा दिल ये सोचकर व्यथित है कि 77 साल के आजादी के बाद भी उन वीर सपूतों के बलिदान से हासिल भारतीय लोकतंत्र में लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के सलाखों के पीछे हैं और आज उनकी जगह मुझे उपस्थित होना पड़ रहा है मैं आज इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी है केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता ये काम करने की सजा जेल जाकर काटना स्वीकार किया लेकिन लोकतंत्र के खिलाफ कड़ी साक्ष्यों के आगे झुकना व टूटना स्वीकार नहीं किया लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए यह चिंता और चिंतन का विषय है क्या इसलिए हमें आजादी मिली थी कि एक दिन चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाएगा बिल्कुल नहीं हमें आजादी इसलिए मिली थी कि हम देश को अशिक्षा गरीबी बेरोजगारी और बीमारी से मुक्ति दिला सकें केजरीवाल जी ने देश की जनता को इसी से मुक्ति दिलाने की पहल दिल्ली से शुरू की केजरीवाल जी ने अपनी जनता के लिए मुफ्त बिजली मुफ्त पानी शानदार शिक्षा बढ़िया इलाज और विश्व स्तरीय परिवहन की व्यवस्था करके अशिक्षा गरीबी बेरोजगारी और बीमारी से मुक्ति दिलाने की सकारात्मक पहल थी देश की कुछ लोकतंत्र विरोधी ताकतों ने केजरीवाल जी के साहसिक प्रयास को रोकने की लगातार साजिश की है लेकिन भारत का लोकतंत्र
और संविधान इतना मजबूत है कि कोई भी ताकत इसके मूल्य को कमजोर नहीं कर सकती। इसका ताजा उदाहरण आपके सामने है। इसी लोकतंत्र और बाबा साहब के संविधान की बदौलत आधुनिक शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया स्वतंत्रता दिवस के कुछ दिन पहले आजाद हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी जल्द ही बाहर आएंगे और अगले अनगिनत वर्षों तक स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराएंगे। लोग कहते हैं कि सारी सरकारें एक जैसी नहीं है, लेकिन केजरीवाल सरकार इससे बिल्कुल अलग, एक साफ सुथरी अच्छे पढ़े लिखे लोगों की ऐसी टीम बनाई जो किसी भी समस्या के तहत तक जाकर उसका समाधान निकाल सके। केजरीवाल सरकार ने आज साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो, सरकार ईमानदार हो, तो सब कुछ हो सकता है।